बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम फॉर ऑल। आई एम योर ट्यूटर अदनान गनी भट्ट, जनरल साइंस क्लास 9th, 10th, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। इसकी नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 10, साइंस और टेक्नोलॉजी। ये ओवरऑल 10th चैप्टर है, लेकिन जमात दहम या क्लास 10th का ये 4th चैप्टर है। आपसे गुजारिश है कि नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल स्टडी टाइम फॉर ऑल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टॉपिक 10.8 ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ECG, ये ECG करवाते हैं, हार्ट का कोई प्रॉब्लम होता है, ये आम मशहूर टेक्नोलॉजी है कि ECG करवाई जाती है। तो इसको हम तफसील से पढ़ेंगे कि ये ECG क्या होती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वो टेस्ट है जिससे दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का अंदाज़ा होता है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसको एब्रीविएशन के तौर पे मुख्तसर तौर पर ECG कहते हैं, ये एक टेस्ट होता है जिसमें दिल की जो एक्टिविटी होती है उसको देखा जाता है। दिल एक ख़ास अंदाज में धड़कता है ताकि पूरे जिस्म में ब्लड पम्प किया जा सके। ECG टेस्ट में दिल के धड़कने से जो इम्पल्सिस पैदा होती हैं वो रिकॉर्ड हो जाती हैं और अमूमन कागज़ की पट्टी पर ज़ाहिर होती हैं, जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। क्योंकि दिल की किसी भी बीमारी की वजह से दिल की धड़कन मुतासर हो जाती है, लिहाजा ये दिल की धड़कन की बेकायदगी को रिकॉर्ड कर लेता है। अगर सांस लेने में दिक्कत हो, सीने में दर्द हो, दिल की धड़कन हल्की या तेज़ हो जाए या बेकायदा हो जाए, तो इस सूरत में ECG करा लेना बेहतर होता है। ECG से ना सिर्फ दिल की बीमारियों की दरियाफ्त में मदद मिलती है, बल्कि इससे ये भी मालूम हो जाता है कि दिल के मरीज को इलाज से कितना फ़ायदा पहुंच रहा है। अगर सुकून की हालत में ECG नॉर्मल हो, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मसला नहीं है, आप नॉर्मल हैं और आप ECG करवाते हैं, लेकिन मरीज़ घुटन या सीने पर दबाव महसूस कर रहा हो, तो मरीज़ का ECG एक्सरसाइज करते हुए लिया जाए। इस तरह खराबी वाजे हो सकती है। ECG से कोरोनरी आर्टरी में तकलीफ़ का सबूत हासिल किया जा सकता है। इससे ये भी अंदाज़ा किया जा सकता है कि मरीज़ को हार्ट अटैक है या पहले कभी हो चुका है। इख्तियार, अगर एक्सरसाइज करते हुए मरीज सीने में दर्द की शिकायत करे या ECG में तब्दीली महसूस हो या ब्लड प्रेशर कम हो जाए, तो टेस्ट फ़ौरन रोक दिया जाए। तो ये हार्ट की एक्टिविटी को चेक करने के हवाले से ये टॉपिक ECG इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहीं पे आज के टॉपिक की वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों से शेयर करें और स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें।